रायपुर की करेंगे, जहां पर जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्षों के चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद अब कांग्रेस ने जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में भी जबरदस्त जीत दर्ज की है। 27 जिला पंचायतों में से कांग्रेस ने 21 पर कब्जा किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 6 जिला पंचायतों पर जीत हासिल की है। इस कड़ी में कांग्रेस ने रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी कब्जा कर लिया है। यहां पर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डोमेश्वरी वर्मा भाजपा प्रत्याशी ललिता वर्मा को हराकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। जीत दर्ज करने के बाद डोमेश्वरी ने जिला पंचायत कार्यालय में मौजूद मंत्री शिव कुमार डेहरिया का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। गैरावद में कांग्रेस की स्मृति नीरज ठाकुर अध्यक्ष बनी है और कांग्रेस के संजय नेताम उपाध्यक्ष बने हैं। बलरामपुर में भारतीय जनता पार्टी की राधा देवी सिंह को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है, तो वहीं बलौदाबाजार में कांग्रेस की सरिता ठाकुर उपाध्यक्ष बनी हैं। मेरी प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला पंचायत के समस्त सभा के भाई बहनों के लिए हमेशा ही एक विकास की दौर रहेगी, और जो मेरी पार्टी मुझे अब किसी तरह के आदेश जारी करेंगे, मैं अपनी पार्टी को हमेशा समर्पित करूंगी। अनेक योजनाएं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नई नई योजना लाए हैं, उससे प्रभावित होकर हमारे ग्रामीण भाई बहन सब जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी एक तरफा जीत दिलाए हैं, और इससे हम सबको खुशी है और सब में हर्ष व्याप्त है पूरे छत्तीसगढ़ में, और अच्छा काम होगा आगे चल के। 27 में 23 जिलों में तो हमारा पूर्ण बहुमत था, लेकिन आज यहाँ पर भी रायपुर में भी हम 12 मत प्राप्त करके जीते हैं। एक बड़ी सफलता है कांग्रेस के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने मेहनत किया है, और आशा करते हैं कि हमारी जो 27 जिला पंचायतों सभी में ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, रायपुर की 27 जिला पंचायतों में से 21 पर कांग्रेस का कब्जा, कितनी बड़ी जीत इसे कहें? देखिए, गुरुवार को जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था, उसमें भी जबरदस्त जीत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन आज जो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बड़ी जीत कांग्रेस ने दर्ज की है। जो 27 जो जिला पंचायत है उसमें से 20 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसके अलावा 7 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद है वो कांग्रेस के खाते में गया है। जो डोमेश्वरी वर्मा है, कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी थी, उन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी ललिता वर्मा को हराया और डोमेश्वरी वर्मा को 12, और वहीं जो भाजपा के उम्मीदवार थी उनको मात्र 4 वोट मिले, जबकि भाजपा पहले 7 जो सदस्य हैं उसके साथ में होने का दावा कर रही थी, लेकिन मात्र 4 वोट उनको मिले और इस तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। हेमंत, जिस तरह से लगातार कांग्रेस को जीत पर जीत मिलती जा रही है, चाहे जिक्र विधानसभा चुनावों को करें, निकाय चुनावों को करें या फिर जिला पंचायत चुनाव, तो ये मान लिया जाए कि जनता अन्य जो दल हैं उनको नकार रही है और कांग्रेस को वोट कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत सारे काम यहाँ पर हुए हैं, चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, जमीनों को जो किसानों का जमीन वापस हुआ है, तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए हैं, और इसी के कारण इतनी बड़ी कामयाबी लगातार हर चुनाव में कांग्रेस को मिलती दिखाई नजर आ रही है। शुक्रिया हेमंत जानकारी साझा करने के लिए।